नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन 2017 में देखा गया था, जिसमें कि 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे रोड कॉरिडोर बनाया जाना था, जो 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, जिससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना को पूरा करने के लिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से विचार किया, जो कि साइंटिफिक स्टडी पर आधारित था। इन रास्तों को छोटा कैसे बनाया जाए, भारतमाला परियोजना को पूरी तरह से आज की न्यू टेक्निक्स को ध्यान में रखकर बनाया जाना है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक सर्वे, सैटेलाइट मैपिंग और इमेजरी आइडेंटिफाई अपग्रेडेशन का भी उपयोग किया जाएगा। भारतमाला परियोजना का पूरा फोकस 24,800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, एसएस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर और फीडर रूट्स, कोस्टल एंड पोर्टल कनेक्टिविटी, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर को डेवलप करना है। इसमें 10,000 किलोमीटर ऑनगोइंग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को ऐड किया गया है, जिससे इसकी कुल जो दूरी है वो 34,800 किलोमीटर होती है। इसमें जो स्कीम चली हुई है, सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहली स्कीम चली हुई है वो है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो कुल लेंथ है वो है 9,000 किलोमीटर और इस पे जो कुल लागत आई है वो है 1,20,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद इसमें जो सेकेंड है हमारे पास वो है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स, जिसकी कुल लेंथ है 6,000 किलोमीटर और इस पे जो कुल लागत आई है वो आई है 80,000 करोड़ रुपीस। इसमें जो तीसरा है वो है नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, जिसकी कुल लेंथ हमारे पास 5,000 किलोमीटर है और जो कुल लागत इस पे आई है वो आई है 1,00,000 करोड़ रुपीस। इस पे जो चौथा है वो है बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, जिसकी कुल लेंथ है 2,000 किलोमीटर और इस पे 25,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 2,000 किलोमीटर और इस पे 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट आता है वो है एक्सप्रेस वेज, जिसकी कुल लेंथ है 800 किलोमीटर और इस पे 40,000 करोड़ का जो है वो खर्चा आना है। और ये टोटल हम जब करते हैं इसकी, तो 24,800 इसमें लेंथ होती है और उसके अलावा जो हमारे पास टोटल खर्चा आता है वो आता है 3,85,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा जो अभी 10,000 एडिशनल वर्क एक्सप्रेस वे बनाए जाने हैं, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी जो कुल लागत है वो है, जो कुल डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर और जो लागत इस पर यूज़ हो रही है वो है यहाँ पे 1,50,000 करोड़ रुपीस। तो इसकी जो टोटल लेंथ बनती है पूरे प्रोजेक्ट की वो है 34,800 किलोमीटर और जो कुल लागत आएगी इस पे वो दोस्तों आएगी इस पे 5,35,000 करोड़ रुपीस। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ग्रीन फील्ड असेस कंट्रोल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना में 22 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी डेवलप किए जाएंगे, जिसकी कुल लेंथ 7,900 किलोमीटर है, जिस पर 3.3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जिसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर, अंबाला कठपुतली कॉरिडोर एडवांस स्टेज में है, जो कि लगभग पूरे होने वाले हैं। इस भारतमाला परियोजना का एक बड़ा लक्ष्य है कि इस पर से सामान और यात्रियों को पहुंचाने की सुविधा मिले।
जिससे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और इससे रूट लेंथ रिड्यूस होगी और ट्रेवलिंग टाइम भी रिड्यूस होगा, जिससे उस पे आने वाला खर्चा भी कम हो जाएगा। तो भारत सरकार दोस्तों इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, सरकार ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं और ये भारत माला परियोजना एक बहुत अच्छा परियोजना, जिससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है और जिससे हमारे देश में इंडस्ट्रियल बढ़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे और भी वीडियोस पड़े हैं जो कि रोड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में है और इसी से रिलेटेड आपको इस पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।